तो बच्चों आज हम स्टार्ट करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला का। उसके पहले भी व्हाट इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लोग पता है आपको, दो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सिस। इस प्लेन में कोई भी पॉइंट अगर होगा तो उसका एक डेफिनेट कोऑर्डिनेट होगा जिसको हम ए कमा बी से डिनोट करेंगे। ए को बोलते हैं एब्सिसा। ए बी में जो होता है देखो, ए कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट आर एब्सिसा। बी को हम बोलते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट आर ऑर्डिनेट। और हर एक पॉइंट जो इस प्लेन में लाई करता है, उसको वी कैन एक्सप्रेस एवरी पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट से पी। कोई पॉइंट है प्लेन में तो उसका कोऑर्डिनेट जो है वी कैन एक्सप्रेस द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू रियल नंबर्स ए और बी। यहां पे जो है दो रियल नंबर्स है ए और बी। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा हर एक पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। एक्स वाई प्लेन में हर एक पॉइंट का एक यूनिक कोऑर्डिनेट होता है। ए को हम बोलते हैं जैसे कि ए कमा बी है। अब ए और बी ये होते क्या है, देखो यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, ये मान लो 90 डिग्री है क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर एक दूसरे के, ये ध्यान रखना दोनों परपेंडिकुलर है। तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर ये लिख लो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये 90 डिग्री एंगल होता है और ये ए है और ये बी है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कमा बी। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप सभी को पता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि ये जो लाइंस है ना इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड करती हैं। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये ब्रीफली ये सारी चीजें आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होंगी लेकिन मैं ब्रीफली बता करके आगे बढ़ूंगा। अब बच्चों हर एक पॉइंट, अब जैसे कि मान लो एक पॉइंट है द पॉइंट 1,0 ऑप्शन ए लाइज इन ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन बी फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी एक्स एक्सिस एंड डी वाई एक्सिस, और एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं ध्यान रखना।
तो बच्चों ये आपको पता है कि ये कहां पे लाई करेगा, सब लोग बताओ कहां पे लाई करेगा ये? सर एक्स एक्सिस। हाँ वेरी गुड गुड। तो ये बच्चों ये हो जाएगा, यानी कि कोई भी जो पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका वो होगा सी, ये पॉइंट 1.0 एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं द पॉइंट -3.4 लाइज इन ऑप्शन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, बी सेकेंड क्वाड्रेंट, सी थर्ड क्वाड्रेंट एंड डी एक्स एक्सिस, तो इसका आंसर क्या होगा? सब लोग बताओ बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बी सेकेंड क्वाड्रेंट। द पॉइंट 0.0 लाइज ऑन ऑप्शन ए एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी वाई एक्सिस, ऑप्शन सी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ऑप्शन डी ऑल क्वाड्रेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताओ, बताओ ये कहां पे लाई करेगा? सब लोग बताओ, ऑप्शन लिख करके बताओ। आप ऑडियो का यूज मत करो, ऑडियो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसका आंसर जो है, सबका आंसर क्या आ रहा है? नहीं ये तो गलत हो गया, इसका आंसर होगा ए एंड बी। एक्स एक्सिस पे लाई करता है बच्चों और वाई एक्सिस पे लाई करता है, ये दोनों पे लाई करता है। क्वाड्रेंट में कहां लाई करता है? इट इज नॉट लाइंग इन द क्वाड्रेंट, इट इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस एंड इट इज लाइंग ऑन वाई एक्सिस, सो इट इज लाइंग ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखो ये जो पॉइंट है 1.0 ये एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे नहीं है। ये पॉइंट 0.1 वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे नहीं है। ये पॉइंट 0.-1 वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे नहीं है। यहाँ पे कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट तो ये है, क्वाड्रेंट का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ये दोनों लाइन जो बनाती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे, ये क्वाड्रेंट होता है। ठीक है ना? तो बच्चों यहां से ये चीज आपको जानना है, आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। एज पर एज द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इज कंसर्न्ड, कौन सा पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है। नेक्स्ट, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है ये बात आपको सभी को समझ में आ गया, ठीक है ना? अब बच्चों आता है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, इफ यू टेक एनी टू पॉइंट्स, से दिस इज सम पॉइंट एक्स वन वाई वन and this is another point say x2 y2, this is the point p and this is the point q, इनके बीच का बच्चों जो distance होता है pq वो आप निकाल सकते हो बड़ा आराम से। आप एक लाइन ड्रा करो ऐसे, एक पॉइंट देखो, p पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और पॉइंट q का कोऑर्डिनेट जो है x2 y2 है। तो एक आप लाइन ड्रा करो पॉइंट p से पास होता हुआ और x एक्सिस के पैरेलल, और पॉइंट क्यू से एक लाइन ड्रा करो वाई एक्सिस के पैरेलल, ये वाई एक्सिस है। तो देखो कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा होगा 0.y1 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 0.y2। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, कुछ पॉइंट्स जान लो आप, x1.0
और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x2 कमा 0 होगा। तो बच्चों ये जो है ये होगा x2 माइनस x1 और ये होगा y2 माइनस y1, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताया? ये r पॉइंट है। व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r, लिख के बताओ। x1 को आप ऐसे लिख सकते हो, x1 चैट में ऐसे लिख सकते हो। तो व्हाट वुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट r, r हु विल टेल? What is the coordinate of the point R? इसका बच्चों कोऑर्डिनेट होगा x2 कमा y1, ये ध्यान रखना। हालांकि इसकी कोई जरूरत मुझे नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया। अब बहुत सावधानी से समझो, ट्रायंगल पी क्यू आर, यू सी ये ट्रायंगल है हमारा और ये P है, ये Q है, ये X2 माइनस X1 है, ये Y2 माइनस Y1 है, ये R है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर मीन एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। सो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये बच्चों आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड और डिस्टेंस फॉर्मूला because it tell it it finds the distance between the points p and q. ye p aur q ke beech ki distance ko batata hai. This is called a distance formula. बच्चों इन पर्टिकुलर अगर मान लो जो हम बात करें, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक डायग्राम बना लो आप, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक एक चीज मैं बता रहा हूं आपको और आगे हम बढ़ रहे हैं। आप एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीच में गैप मत आने देना, कोई भी गैप नहीं आना चाहिए। तो अगर इन पर्टिकुलर कोई पॉइंट है बच्चों, मान लो कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x कमा वाई और ये ओरिजिन है, तो डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P x कमा वाई फ्रॉम ओरिजिन O, तो ये बच्चों होगा OP, इसको बोलते हैं OP, OP, so OP क्या होगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये स्पेशल केस है जिसमें कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वो ओरिजिन हो जाए, मतलब P और Q की जगह पे, मतलब एक पॉइंट, दोनों पॉइंट P और Q में से एक पॉइंट ओरिजिन पे चला जाए, ठीक है? ये ध्यान रखना आप। अब बच्चों एक क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी कॉस थीटा कमा साइन थीटा एंड क्यू कॉस फाई कमा साइन फाई। बच्चों दो पॉइंट हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पी कॉस थीटा साइन थीटा एंड क्यू कॉस फाई साइन फाई।
इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। सॉल्यूशन ध्यान से सुनो। तो बच्चों यहां पे क्या करोगे आप, पी क्यू इज इक्वल टू यहां पे x1 y1 क्या है, देखो यहां पे x1 y1 है cos थीटा का sin थीटा, x2 y2 है cos फाई का sin फाई। तो यहां से ये p है और ये q है, तो पी क्यू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखते हो आप। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसको आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि बच्चों अगर माइनस फोर का स्क्वायर कहीं लिखा है तो इसको फोर का स्क्वायर भी ले सकते हो। या ऐसे सोचो, सोचो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू बी ए। तो यहां से क्या मिला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अगर x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको आप ले सकते हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम होता है, क्योंकि b a क्या होता है, ab के इक्वल होता है, और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ले सकते हो, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां पे ऐसे लिखने में। मैं ऐसे ही, मैं नहीं भी लिखता तो भी काम चल जाता मेरा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे ऐसे लिखना। ये मैं इसको लिखूंगा cos थीटा माइनस cos फाई होल स्क्वायर प्लस sin थीटा माइनस sin फाई होल स्क्वायर, ऐसे लिख दूंगा। और ये बच्चों देखो क्या आएगा, अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर फाई माइनस टू cos थीटा cos फाई प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर फाई माइनस टू sin थीटा sin फाई, ये आ जाएगा। और ये बन जाएगा अंडर रूट, ध्यान से सुनना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई 1, तो 2 माइनस 2 cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये, इट वुड बी लाइक दिस। और ये बच्चों आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 2, और आप लोग जानते हो थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री। बच्चों एक चीज ध्यान रखो, इस चैप्टर को समझने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन ही ऐसा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ठीक है ना। तो मैंने, अब ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। तो अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो यहाँ पे उसको थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों ध्यान से सुनो, सो टू माइनस कॉस ये हो जाएगा थीटा माइनस फाई। आपको ये बात पता है कि कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ये, और ये बच्चों ध्यान से सुनना, टू वन माइनस कॉस थीटा माइनस फाइव, ऐसे हो जाएगा अंडर रूट। अब एक बात मैं आप लोग को और बताता हूं, यहां तक नोट कर लो, पहले तो नोट कर लो, यहां तक पहुंच जाओ, यहां तक सारा लिखते हुए। तो बच्चों यहां से अब ध्यान से सुनो, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, cos 2x इज इक्वल टू cos x प्लस x, मैं डिराइव कर देता हूं फिर से उसको, cos x प्लस cos x, और ये हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस sin x इंटू sin x, और दिस इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और यहां पे लिख लो बच्चों cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x को लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर x,
और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन कॉस टू एक्स, और यहां से आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन प्लस कॉस टू एक्स, और ध्यान से सुनना, अगर इसी फॉर्मूले को हम लिख देते cos 2x, यहां पे ये आया हुआ है cos cos 2x is equal to, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें हैं लेकिन थोड़ा मैं फील कर रहा हूं कि बता दूं मैं आपको, cos square x की जगह पर लिखो 1 minus sin square x minus sin square x, तो ये आ जाता 1 minus 2 sin square x, तो यहां से बच्चों आ जाता 1 minus cos 2x 2 sin square x is equal to 1 minus cos 2x, so 2 sin square x बच्चों होता है 1 minus cos 2x और 2 cos square x होता है 1 plus cos 2x, यानी यहां पे 2x है ना तो इसका ये हाफ है, तो देखो तो बच्चों 1 minus cos थीटा माइनस फाई क्या होगा, ये होगा 2 sin square थीटा माइनस फाई by 2, तो बच्चों यहां पे आ जाएगा 2 into 2 sin square थीटा माइनस फाई by 2 under root, और बच्चों अब एक बात का जवाब आप सब लोग दो, एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों से कि आप दोगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ऑप्शन ए एक्स, ऑप्शन बी माइनस एक्स, ऑप्शन सी प्लस माइनस एक्स, ऑप्शन डी मॉड एक्स, चलो सब लोग जवाब दो, सब लोग बताओ क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच्चों क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स होता है, ये ध्यान रखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच्चों मॉड एक्स होता है, किसी भी बच्चों द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज और नॉन नेगेटिव, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जैसे बच्चों अंडर रूट फोर क्या होता है टू होता है, अंडर रूट नाइन क्या होता है थ्री होता है, प्लस माइनस आपको पता है, देखो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना होता है आपको, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मैं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेकिन मैं आप बच्चों आपको उस समय पढ़ाऊंगा जिस समय आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम से कम टाइम में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा टॉपिक तो कम से कम नहीं है जिसपे कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया जाए, राइट, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो, बच्चों यहां पे अगर आपको फॉर्मूला पता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए होता है, ये सबको पता है, या यहां पे ए कितना है, देखो ए कितना है यहां पे ए है वन बी है माइनस थ्री और सी है बच्चों टू, तो एक्स क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू टू अपॉन टू, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस माइनस अंडर रूट नाइन माइनस एट और नाइन माइनस एट हो जाएगा बच्चों वन, तो बच्चों अगर अंडर रूट वन, कुछ लोग बोलते हैं कि अंडर रूट वन जो है लिखो आप प्लस माइनस वन, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में तो ठीक है लेकिन अदरवाइज बाकी कहीं पे भी आप से अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ वन, यू विल ऑलवेज से प्लस वन, इवन इन द कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर आल्सो रूट फोर को आप टू ही लिखते हो, लेकिन जब बात आती है कि हाउ मेनी स्क्वायर रूट ऑफ फोर आर देयर सो यू विल से टू एंड माइनस टू, बट ये अंडर रूट फोर जो होता है ना वो टू ही लेते हैं उसको, ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं इनफैक्ट, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ये जो सिंबल है ना अंडर रूट फोर ये टू ही इसको लिया जाता है, दो वैल्यू नहीं ली जाती है, क्योंकि अगर ये खुद ही अगर ये खुद देखो बच्चों अगर ये खुद जो है अंडर रूट वन
खुद अगर अंडर रूट वन प्लस माइनस वन होता तो इस प्लस माइनस को लगाने की मैथमेटिशियन को जरूरत क्यों पड़ती, लगाया तो मैथमेटिशियन नहीं है ना। तो इसलिए अंडर रूट वन हमेशा आप क्या लोगे, वन लोगे, अंडर रूट फोर क्या लोगे, टू लोगे, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या लोगे, मॉड एक्स लोगे। क्यों, देखो जैसे मान लो अंडर रूट फोर है, तो अंडर रूट फोर बच्चों को हम लिख सकते हैं टू स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अगर आप नहीं मॉड लगाओगे तो यहां से क्या आएगा आंसर, प्लस टू, और यहां पे क्या आएगा माइनस ऑफ मॉड टू, और दोनों ये भी टू होता है और ये भी टू होता है, तो अंडर रूट फोर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे अगर नहीं मॉड लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, यहां से टू आ जाएगा और इसी अंडर रूट से आपको माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये माइनस टू आ जाएगा, टू और माइनस टू इक्वल तो नहीं होता है ना, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या लगाना चाहिए, मॉडस लगाना चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। इस पे मैंने कमेंट कर दिया, तो बच्चों द स्क्वायर रूट ऑफ, ये आप जान लो कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव। अब नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे बच्चों हम लोग पहुंच गए हैं, ये यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये क्या होगा, टू इंटू टू फोर, तो टू बाहर आ जाएगा, और साइन स्क्वायर ये है, ये बन जाएगा अंडर रूट साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर, लिख लो इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो अब ये बच्चों जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा टू साइन थीटा माइनस फाइव बाई टू, और यहां पे मॉडुलस आ जाएगा, बोलो समझ में सबको आ गया, यस नो में एक बार जवाब दे दो। सब लोगों को ये समझ में आ गया, यस नो, वेरी गुड गुड। कार्तिकेय आपको समझ में आ गया, गुड। तो बच्चों इसका आंसर ये होगा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में अगर आएगा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे मॉड लगा रहेगा, ये ध्यान रखना। मॉड नहीं लगाओगे तो फिर डिस्टेंस तो नेगेटिव ही हो जाएगी ना फिर, और डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। बच्चों देखो एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां से ध्यान रखो, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। तो अगर मॉड नहीं लगाओगे यहाँ पे, सिर्फ ऐसे लिख दोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। मान लो ऐसे आपने छोड़ दिया, तो मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया ये थीटा माइनस पाई बाई टू की जगह, मान लो मैं ले लिया ये आ जाएगा टू साइन माइनस पाई बाई टू, तो ये तो माइनस टू हो जाएगा, तो जो कि गलत हो गया। इसलिए मॉडस लगाना यहाँ पे जरूरी है, नहीं तो बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी हमको। अच्छा अब बच्चों अगर आपसे ये पूछा जाता कि व्हाट इज द, ये जो पॉइंट है बच्चों देखो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे फाई है, थीटा और फाई कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों पॉइंट पी और क्यू के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, क्योंकि पी बच्चों जो पॉइंट है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जो क्यू पॉइंट है वो भी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है और इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है, तो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज पी क्यू मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू क्या होगा बताओ। तो देखो ये साइन है हमारा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू वन होती है तो टू हो जाएगा, और मिनिमम वैल्यू ऑफ पी क्यू ये जीरो हो जाएगा बच्चों, जब जब थीटा फाइव इक्वल हो जाएगा, जब थीटा फाइव इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे थीटा और फाइव इक्वल हो जाएंगे तो पॉइंट पी और क्यू दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो बच्चों कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर पी कॉस थीटा का मतलब साइन थीटा है और क्यू कॉस फाइव का मतलब साइन फाइव है, where theta and phi are two, any two numbers, then what is the maximum distance between PQ and what is the minimum distance between PQ? So maximum distance between PQ is 2 and minimum distance between PQ is, between P and Q is 0. अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया। अब बच्चों जो application of distance formula,
तो बच्चों नंबर वन, पहला है कोलिनेरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, कोलिनेरिटी ऑफ पॉइंट्स, कोलिनेरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है देखो, ध्यान से सुनो। इफ आई मेक ए स्टेटमेंट, टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। बच्चों आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और हम सब कुछ बात कर रहे हैं बच्चों प्लेन में, ये ध्यान रखना, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन, एक्स वाई प्लेन, सब कुछ प्लेन में ही चल रहा है, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम स्टडी कर रहे हैं। तो बच्चों टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, एनी टू पॉइंट्स, ट्रू है कि फॉल्स है बताओ, एनी टू पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स? बताओ, बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, को का मतलब क्या होता है, को का मतलब होता है एक साथ। तो कोलिनियर का मतलब बच्चों ये होगा, अगर अगर मान लो जो है दो पॉइंट अगर हैं, दो पॉइंट के कोलिनियर का मतलब क्या होगा कि दे लाई ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन, ठीक है ना। लेकिन बच्चों अगर मान लो ये दोनों पॉइंट पी और क्यू सेम हो जाए, पी और क्यू सेम हो जाए, जैसे कि मैं आपसे ये, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि cos थीटा कमा sin थीटा और cos phi कमा sin phi, तो बच्चों ये दोनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है थीटा और phi की किसी भी वैल्यू के लिए? तो थीटा मान लो आपने बच्चों कोई ले लिया पॉइंट, मान लो थीटा आपने मान लो बच्चों कोई पॉइंट ले लिया, phi कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। तो थीटा और फाई की किसी भी वैल्यू के लिए, मान लो थीटा और फाई की किसी, ये हमेशा कोलिनियर होंगे। लेकिन अगर थीटा और फाई इक्वल हो गया तब क्या होगा बच्चों? वन कमा वन और वन कमा वन, क्या ये दो पॉइंट्स, अगर बोलूं मैं इसको दो पॉइंट बोल सकता हूं बच्चों? देखो एच टू ओ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये पी है और ये क्यू है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स? कैन आई से दिस व्हेन आई से लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स? तो आपको बताना है कि क्या P और Q सेम पॉइंट हो सकते हैं इवन दो आई कॉल देम एज टू पॉइंट्स? बोलो यस और नो बच्चों। जब हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि लेट P एंड Q बी टू पॉइंट, तो क्या दोनों पॉइंट्स P और Q सेम हो सकते हैं? यस और नो? हो सकते हैं बच्चों, लेकिन हम मान लो अगर दोनों सेम नहीं हो सकते तो क्या वर्ड यूज करेंगे? तब यूज करेंगे लेट P एंड Q बी टू पॉइंट्स। और यहां पे एक एक बताओ, यहां पे मैं क्या लिख दूं? अगर पी और क्यू सेम नहीं हो सकते हैं तो क्या मैं लिखूंगा? एक एट लेटर वर्ड आएगा यहां पे, एट लेटर वर्ड, व्हाट वुड बी दैट? डिस्टिंक्ट, वेरी गुड, डिस्टिंक्ट। बट इफ आई से पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स, देन द पॉइंट पी एंड क्यू कैन बी सेम। हाँ बिल्कुल, द पॉइंट पी एंड क्यू कैन बी सेम। देखो कैसे, आप ये बताओ, जैसे एच टू ओ, एच टू ओ बच्चों इसमें कितने एटम हैं? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एच टू ओ मॉलिक्यूल? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन दिस? सो यू विल से टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। तो ये दोनों जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसको दो तो बोल रहे हो ना, बल्कि है क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं? बताओ, ये दोनों हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल हैं कि डिस्टिंक्ट हैं? बताओ, आइडेंटिकल है कि डिस्टिंक्ट है? इस वाले हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में आइडेंटिकल हैं या डिस्टिंक्ट है? चलो बताओ, एक बार बताओ, सब लोग बताओ, एस टू ओ मॉलिक्यूल में ये दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, आइडेंटिकल है या डिस्टिंक्ट है? बताओ, सब लोग बताओ, केमिस्ट्री का टेस्ट हो रहा है आपका। देखो केमिस्ट्री का टेस्ट हो गया आपका, बताओ जवाब दो।
बच्चों बिल्कुल इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन आप बोलते हो ना देयर आर थ्री मॉलिक्यूल, तो वैसे ही पी एंड क्यू आर टू पॉइंट्स, पी एंड द पॉइंट पी एंड क्यू कैन बी सेम, कीप इन माइंड, ये बिल्कुल लॉजिकली सही बात है। सो टू पॉइंट्स आर ऑलवेज, देखो मैं आपको समझाने के लिए कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेता हूं। सो कोलिनिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स, लेकिन बच्चों अगर मैं बोलूं कि थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स? थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, ट्रू और फॉल्स मैं आपको बताना है। सब लोग बताओ, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा बच्चों एक चीज और बताओ, इफ थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर व्हाट वुड हैपन? देन व्हाट वुड हैपन? टेल मी, a triangle will be formed. A very good, a good answer. Very good answer. तो बच्चों अगर मैं ये बोलूं कि three points are either collinear or they will form a triangle, then this statement is going to be always true. ठीक है बच्चों? तो this is going to be very 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 interesting. अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, एक बात मैं आपको और बताऊंगा, वो ध्यान से सुनो। जैसे मान लो P और Q और R तीन पॉइंट हैं, तो यहां से एक ट्रायंगल बन जाएगा अगर वो लाइन पे नहीं है। लेकिन अगर मान लो ये लाइन पे आ गया, तो ये यहां पे आ गया तो कोलिनियर हो जाएंगे। तो बच्चों उस केस में हम एक चीज एग्री कर जाते हैं कि उस केस में जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा पी क्यू आर वो जीरो हो जाएगा। तो वी विल ऑल्सो सी लर्न दैट इफ द पॉइंट पी क्यू आर फॉर्मिंग ट्रायंगल ऑफ एरिया जीरो, ट्रायंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है लेकिन बस कहते हैं कि ट्रायंगल ऑफ एरिया जीरो, देन इन दैट केस द पॉइंट पी क्यू आर वुड बिकम कोलिनियर। तो एक और मेथड हम देखेंगे तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने का, वो होगा इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एक और देखेंगे तीन पॉइंट्स को कोलिनियर होने का, वो इन टर्म्स ऑफ स्लोप, लेकिन अभी हम इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनो, लेट पी x1 y1, q x2 y2 and r x3 y3 be three points, be any three points such that exactly one of the following statement is correct. Number one, PQ plus QR is equal to PR. देखो ये P है और ये R है और यहां पे Q है, so PQ plus QR is equal to PR. Number two, PR plus RQ is equal to PQ. Number three, देखो पी क्यू आर हो गया, यहां पे कुछ इस तरीके से बनना है, ये देखो पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, जैसे एक ट्रायंगल की तरह सोचो, ट्रायंगल में क्या होता है पी क्यू तो बच्चों यहां से पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर हो गया, और यहां पे देखो ये हमने पी आर ले लिया, पी आर ले लिया, फिर हमने पी क्यू ले लिया, पी और क्यू ले लिया, अब हम क्यू आर लेंगे, क्यू आर, तो यहां पे आ जाएगा क्यू पी प्लस पी आर, कुछ ऐसे लिख लो। मतलब ये चीज जैसे कि आप देखो एक ट्रायंगल की तरह लिख लो, तो पी क्यू निकालो, पी क्यू निकालो, पी आर निकालो, क्यू आर निकालो। तो बच्चों अगर 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 पी आर जो है, पी आर जो है इन इसके और इसके सम के बराबर है, तो ये पॉइंट क्यू कहीं यहां पे आ जाएगा, तो कोलिनियर हो जाएगा। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
तो बच्चों इन तीनों में से अगर एक देन द पॉइंट्स पी क्यू आर कोलिनियर, ये ध्यान रखना। इफ पी क्यू एंड आर नॉट कोलिनियर then they form a triangle, उस केस में बच्चों एक ट्रायंगल बनेगा। और क्या होगा ध्यान से सुनो, उस केस में बच्चों क्या होगा, पी क्यू आर, इस केस में बच्चों क्या होगा, पी क्यू प्लस, ये ध्यान रखना, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर, बच्चों ध्यान से सुनो, देखो ये लेंथ प्लस ये लेंथ इस लेंथ से बड़ा होगा। मान लो आप यहां से यहां जा रहे हो और यहां से यहां जाओ फिर यहां से यहां जाओ, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा ना, तो दिस वुड बी ग्रेटर देन पी आर। And number one, and the following condition must be satisfied, is satisfied. Number 1, number 2, number 3 and बच्चों यहां पे क्या था, कोलिनियर के लिए इन तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो कोलिनियर हो जाएगा, और यहां पे तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर द ट्रायंगल टू बी फॉर्म्ड, एंड दैट इज व्हाट बच्चों, यहां से ध्यान से सुनना, यहां से पी आर प्लस आर क्यू, पी आर प्लस आर क्यू विल बी पी आर प्लस आर क्यू विल बी मोर देन पी क्यू, एंड तीसरी कंडीशन क्यू आर प्लस पी आर will be more than QR. आप ऐसे इसको ध्यान रखो कि बच्चों मान लो ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, आप मान लो ये जो है बच्चों आपका घर है, मान लो ये आपका घर है और ये मान लो पांडे क्लासेज है, ये मान लो पांडे क्लासेज है और ये आपका घर है, तो आप पांडे क्लासेज अगर आपको जाना है तो ऐसे चले जाओगे स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अगर आपका दोस्त यहाँ पे लाई करता है मान लो R पे, तो दोस्त यहाँ पर ले गए आप फिर यहाँ पे गए, तो ऑब्वियसली पी आर प्लस आर क्यू विल बी मोर देन पी क्यू, समझ रहे हो ना, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरा मान लो आपको अपने आपका जो दोस्त है वो पांडे क्लासेज में आना चाहता है तो आर से सीधे क्यू पे चला जाएगा, लेकिन आपका दोस्त अगर आपको विजिट करके फिर जाना चाहता है तो क्या होगा, आर पी प्लस पी क्यू विल बी मोर देन आर क्यू, समझ में आ रही बात, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ध्यान रखना फॉर ट्रायंगल टू बी फॉर्म्ड। आ गया समझ में सबको, यस नो में जवाब दे दो सब लोग, सब लोग जवाब दे दो यस नो में। जवाब देना जरूरी है बच्चों, जवाब दो तभी तो मुझे पता चलेगा पूरा विजुलाइज हो गया कि नहीं हो गया। ओके तो बस एक बात बच्चों मुझे ये बताओ, हाँ ठीक है गुड, क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि पी क्यू आर तीन पॉइंट्स हो सच दैट पी क्यू प्लस क्यू आर इज मोर देन पी आर लेस देन पी आर, पी आर प्लस आर क्यू इज लेस देन पी क्यू, क्यू आर प्लस आर QR प्लस PR, ये बच्चों QP है, यहां पे ध्यान रखना ये QP है, QP प्लस PR इज मोर देन QR, तो बच्चों क्या ये पॉसिबल है
ये जो है हमारा क्यू आर से छोटा हो जाए? इज इट पॉसिबल? यस और नो? पी क्यू आर कैन बी एनी थ्री पॉइंट्स. नाउ यू हैव टू टेल वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट दैट ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते. ये यस और नो में जवाब दो. तो बच्चों देखो, मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था, ये ध्यान से सुनो, कि अगर पी क्यू आर कोई भी तीन पॉइंट है तो पी क्यू प्लस क्यू आर क्या आ जाएगा? पी आर की इक्वल हो जाएगा. अगर ये ऐसे पॉइंट होते, मान लो पी और ये आर होता और ये क्यू होता, इस ऑर्डर में होते, तो पी आर प्लस आर क्यू जो हो जाता पी क्यू इक्वल हो जाता. यानी अगर बच्चों कोई भी तीन पॉइंट है तो या तो वो कोलिनियर होंगे या तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे. अगर वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं तो ये कंडीशन होगी. अगर वो कोलिनियर अगर है तो इन तीनों में से एग्जैक्टली एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी. इसके अलावा बच्चों पी क्यू आर किसी और कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो पी क्यू आर हमेशा तीन पॉइंट्स प्लेन के हमेशा या तो ट्रायंगल फॉर्म करेंगे या तो हमेशा लाइन फॉर्म करेंगे. यानी इन दो केसेस के अलावा कोई तीसरा केस हो ही नहीं सकता है. ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना. हाँ सर, ग्रेटर देन इक्वल टू केस अगर होगा ना तो वो लाइन वाले केस में वो शामिल हो चुका है. यस सर, बस ये दो ही होंगे. बस दो ही केस होगा और कोई केस नहीं हो सकता है बच्चों, ये ध्यान रखना. अगर आपसे कोई ये बोलता है कि पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी आर, मान लो किसी ने ये बोल दिया, जैसे मान लो ये पी है और ये मान लो क्यू है और ये आर है, और किसी ने बोला पी आर प्लस आर क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी क्यू, तो अगर इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगा तो ये लाइन पे आ जाएगा, लाइन फॉर्म हो जाएगा. समझ गए बात ना? तो हमने यानी बच्चों ये और कोई केस हो ही नहीं सकता है, ये ध्यान रखना. तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि यहां से भी क्वेश्चन वो बना सकते हैं. नाउ चेक फॉर द check whether the three points check whether the three points aur bachcho main ek question lene ja raha hu aur ye question le raha hu -1, -1 aur aap log batana 1, 3 sorry kuch aur le leta hu. Non-collinear का मतलब वो जो ट्रायंगल. तो चलो बताओ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे. आपको बताना है कि एक कोलिनियर पॉइंट है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट है. चेक कर सकते हो बड़े आराम से. तो बच्चों इसमें से किसी भी पॉइंट को आप पी ले लो -1, -1 क्यू को ले लो 4, 2, 5 और आर को ले लो 4, 9. हाँ अब पी क्यू निकालो. पी क्यू क्या आएगा? पी क्यू निकालो, पी आर निकालो, पी क्यू, पी आर, आर क्यू, ये निकालो, तीनों निकाल लो. और इनमें से किसी भी दो का सम अगर तीसरे की इक्वल हो गया तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे. तो आप देख लो, चेक कर लो. पी क्यू निकालेंगे हम तो 2, -1, 3, 9 हो जाएगा. बच्चों तो थोड़ा रफ देखो, थोड़ा रफ वर्क कर मैं कर लेता हूं. तो 2, 9 सीधे सीधे बच्चों मैं लिख लो -1, -2 का होल स्क्वायर प्लस 1, -5 का होल स्क्वायर. तो ये बच्चों आ जाएगा अंडर रूट. सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं जो भी सिंप्लीफाई करने पे आएगा. तो 9 प्लस 16 क्या आ जाएगा? 20. तो 5 आ जाएगा. ये 5 ये निकालो. अच्छा एक मिनट, 2, 1, 3, 9 और प्लस, हाँ ठीक है 9 प्लस 16 25. अब पी आर निकालो. पी और आर के बीच की डिस्टेंस तो -1
माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस नाइन का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, 25 प्लस 64। देखो सेटिस्फाई हो रहा है। रूट 79 आ रहा है क्या ये? और ये बच्चों पहला आंसर क्या आ रहा है, एक मिनट देखो, 2x प्लस 1 है ना, तो एक बार मैं चेक कर लूं। सर क्वेश्चन में p पॉइंट माइनस 1 कमा माइनस 1 है, यस यस ये पॉइंट माइनस 1 है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक एक कर दिया था छोटा सा, तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया था, ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 36 और ये हो जाएगा अंडर रूट 45 और ये हो जाएगा 3 root 5 और ये देखो 25 प्लस 64 सो रूट 89। ठीक है ना अर्जित, देखो कंपटीशन ठीक है। अच्छा ये फिर ये हो जाएगा, ये माइनस वन ही रहेगा यहाँ पे, ये मिस्टेक यहाँ पे भी कैरी कर रहा है, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आर क्यू होगा 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर, ये बच्चों हो जाएगा 5 root 5 और ये हो जाएगा 4 - 2 3 4 - 2 2 4 प्लस 16 20 root 20 और रूट 20 क्या हो जाएगा, रूट 20। सो दिस इज 2 root 5। सो वी कैन सी दैट कि बच्चों पी क्यू प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी आर, देयरफॉर द पॉइंट्स पी क्यू आर एंड आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गया सबको कि ये कोलिनियर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल की क्लास में बच्चों और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है। ठीक है।